Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Welcome to Edugiri. Please do like the session and do subscribe to the channel. And I'm so sorry. सबसे पहले तो मैं sorry मांगती हूँ for not being regular. मेरी family में कोई problem आ गई थी. अब हम सब बिल्कुल सही हैं. सब कुछ बहुत बढ़िया है. तभी मैं analysis नहीं कर पाई थी. कल मैंने जहाँ पर मैं गई थी वहाँ से analysis करने का try किया, but वहाँ पर internet के issues आ गए. Therefore complete नहीं कर पाई. तो मैंने वापस आके आज वो analysis complete कर दिया कल का. और बाकी जो पेंडिंग है वो मैं डाल दूंगी. एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मे बी थोड़े से पहले आपको मार्क न्यूज़पेपर मिल जाएंगे. बाकियों को भी यहाँ पर सारा कंप्लीट होगा न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है ना. तो ये है. एंड ₹100 पर मंथ में आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पर आपको मार्क न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है. ये आपको www.logiri.in पर मिल जाएगा. वहाँ पर आप जा सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. एंड आप हमारे अगर MH-CD5 के मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं. ये फिर ₹1500 के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं. 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं. ये स्कीम चल रही है. आप इस स्कीम के अंदर www.logiri.in से ये खरीद सकते हैं. आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, वहाँ पर हम @IAMEdugiri के नाम से हैं. एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम Edugiri के नाम से हैं, राइट. तो यहाँ पर आप हमें फॉलो करें. अब स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से. हाउ आर यू All doing, कैसे हो सब. आई मिस यू आई सो मच. आज मुझे स्टूडियो में बैठकर एनालिसिस करने का मजा ही कुछ और आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी आवाज जितनी मर्जी ऊंची चाहे उतनी रख सकती हूँ, ठीक है. तो मुझे ना ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है, मतलब पूरा मजेदार तरीके से. चलिए स्टार्ट करते हैं. बस एक मिनट में थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ और हम स्टार्ट करेंगे. कैसे हो सब. हाउ आर यू गाइस. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. मिलिटेंट्स गन डाउन कश्मीरी पंडित. मिलिटेंट्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है. आर्म्ड हैं, गन्स हैं उनके पास. कश्मीरी पंडित्स को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, ठीक है ना. तो ये अटैक हुआ है, आपको पता होना चाहिए. इसमें नोट नहीं करेंगे बट आपकी नज़र में आपको याद होना चाहिए कि ऐसा सा कुछ कश्मीर में हो रहा है. टारगेटेड किलिंग क्या है कि कश्मीरी पंडित, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं इसलिए उनको मारा जा रहा है. बिकॉज दे आर कश्मीरी पंडित, दे आर बीइंग किल्ड. तो उनको क्या क्या टर्म यूज़ करी जाती है? टारगेटेड किलिंग, ठीक है. अब यहाँ पे आगे चलेंगे. द ब्रीफ अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर एंड इट्स मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन पवन खेरा आफ्टर ही वॉज डिबोर्डेड फ्रॉम अ रायपुर बाउंड फ्लाइट. डिबोर्डेड का मतलब, बोर्डिंग का मतलब होता है कि प्लेन पे चढ़ना या किसी चीज़ पे भी चढ़ना. पैसेंजर्स हैं, ठीक है. आपके हम कहते हैं बस बोर्ड करोगे, ठीक है. ट्रेन बोर्ड करोगे, मतलब उस पर उसको उस पर जाकर बैठना, उस पर चढ़ना. एंड डिबोर्डिंग क्या होता है कि उसको उतार देना, ठीक है ना. अब यहाँ पे मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कांग्रेस के जो लीडर हैं पवन खेरा को डिबोर्ड करनी पड़ी एक फ्लाइट. क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उनका जो रिमार्क था वो किसके अगेंस्ट था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट था. तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ के अंदर वो यूज़ करा, लॉ यूज़ कर उनको मतलब एक्शन लिया गया उनके अगेंस्ट. और ऑर्डर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत जो चीज़ है वो करी गई है. अब गलत है या सही हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें बस न्यूज़ से मतलब है, ठीक है. तो वो नोट करेंगे हम कि कांग्रेस के कौन से डिपार्टमेंट के कांग्रेस लीडर, ठीक है, क्या डिपार्टमेंट है. एंड इट्स मीडिया एंड चेयरमैन ऑफ मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, पवन खेरा, ठीक है, पवन खेरा एक्शन फॉर रिमार्क्स, एक्शन टेकन फॉर रिमार्क्स अगेंस्ट PM, ठीक है. अब यहाँ पे सही किया गलत किया वो बात की बात है. हमें नाम पता होना चाहिए कि भाई क्या नाम है, किस चीज़ को हेड कर रहा था और क्या एलिगेशंस है उस बंदे के अगेंस्ट, ठीक है. ये हमारा एडिटोरियल एक था. दूसरा एडिटोरियल है हिंडनबर्ग. अब यार हिंडनबर्ग, यहाँ ये जो बर्गर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अडानी वाला, ठीक है ना, कि किसने रिपोर्ट फाइल करी. तो यहाँ पे ये एलिगेशन लगाई जा रही है कि जो हिंडनबर्ग है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एलिगेशन है वो ये लगाई जा रही है कि हिंडनबर्ग ने ये जो एक्शन लिया, जो कहा कि भाई अदानी जो हैं ये फेक हैं, ये बहुत कुछ गलत बता रहे हैं आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, एक्चुअल में इनके आर पार कुछ भी नहीं है. वो कहते हैं कि इनने खुद प्रॉफिट अर्न किया हिंडनबर्ग वालों ने, ठीक है ना, ये कर. तो इससे वो कहते हैं ये वाली चीज़ पर ऑर्डर कहता है हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये भी हो रहा है, ठीक है ना. उन्होंने अदानी पर उंगली तो उठाई है बट उन्होंने शेयर्स खरीदे उनके, ठीक है, और फिर उसको बेचा, मतलब खरीदारी बेच वाला किया सीन, एंड फिर उससे फ़ायदा भी कमाया है हिंडनबर्ग ने अदानी से, ठीक है ना. तो ये वो कहते हैं ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए.
ओके उसके बाद आगे चलेंगे. हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट निकाली अदानीज के अगेंस्ट. ये वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम ऑलमोस्ट हर रोज इस नाम को पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए. द फॉर्मल लॉन्च ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेटेंटेड. पेटेंटेड का मतलब क्या होता है? पेटेंटेड का मतलब होता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सिस्टम उस चीज़ में लगाया है और उसको जो पेटेंट लेना कि उस चीज़ को उन्होंने उसके ऊपर जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मली एक बुक लिखी है उस पर कॉपी राइट कह देते हैं, तो यहाँ पर ये कॉपी राइट ले लिया उसका. बट टर्म क्या यूज़, लीगल टर्म कॉपी राइट नहीं यूज़ होगी. जब कोई थिंग बनाई है तो उसके लिए कॉपी राइट टर्म नहीं यूज़ होगी, उसके लिए पेटेंट यूज़ होता है. इसका मतलब कि उनका राइट है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो ही अब ऐसे कुकर जो है बना सकते हैं. तो उन्होंने क्या कुकर बनाया? सोलर कुक स्टोव. क्या बनाया उन्होंने? सोलर कुक स्टोव बनाया है कि सोलर एनर्जी यूज करके आप कुक कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके जमाने में पुराने मतलब आज से अराउंड 10-15 ईयर्स पहले ये बहुत कॉमन होता था कि जो रात की सब्जी या रात की दाल होती थी ना वो सोलर कुकर में बनती थी. तो वो रख देते थे सुबह मम्मियाँ उसके अंदर और वो बनती रहती थी. ठीक है, एटलीस्ट मैंने बहुत खाई है सोलर कुकर वाली दाल और खीर. ठीक है, तो वो क्या था, एनर्जी सेव होती थी. कहाँ? तो वो गैस पे बनती, गैस लगती. ठीक है, और कहाँ? सन के अंदर डब्बे रख दी और वो बन गई. तो वो कुकर होता था स्पेशली, उसमें मिरर्स लगे होते थे, सिस्टम होता था और उससे हीट के थ्रू, स्लो कुकिंग के थ्रू होता था. अब यहाँ पे सोलर कुक स्टोव आ गया है. ठीक है ना, ये कहाँ पे लॉन्च किया? इंडियन एनर्जी, इंडिया एनर्जी वीक में. इंडिया एनर्जी वीक इस बार कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में. तो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने कहा, व्हाइल मिस्टर मोदी क्लेम दैट स्टोव वुड सून रीच 3 crore हाउसहोल्ड्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी कॉल्ड इट अ कैटलिस्ट इन एक्सेलरेटिंग अडॉप्शन ऑफ लो कार्बन ऑप्शंस. अब इसके अंदर क्या है, गैस के अंदर एलपीजी भरी होती है ना, वो जो गैस यूज़ कर रहे हैं लीकोसाइड एलपीजी है ना. तो एलपीजी जो है वो एक क्या है, नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, एक बार यूज़ हो गया ख़त्म. ठीक है, तो यहाँ पे वो सोलर कुक स्टोव जो है ये रेन्यूएबल है, पॉल्यूशन नहीं करता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो सोलर कुक स्टोव ठीक है, किसने लॉन्च करी? नंबर वन पॉइंट, लॉन्च्ड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. और जिसने वो एनर्जी वीक वाला पॉइंट नहीं लिखा है वो भी लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर हुई. ठीक है ना, पेटेंटेड, होल्ड्स पेटेंट ऑल्सो. ठीक है ना, हैज पेटेंट ऑल्सो. अब पेटेंट का मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो भाई ये कॉपीराइट, कि भाई राइट हमारा है, हम ही बना सकते हैं, हमारी परमिशन के बिना बनाओगे तो कोर्ट के अंदर घसीट लेंगे तुम्हें, समझ रहे हो. ठीक है, पेटेंट वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर. अब आगे, अमंग द गवर्नमेंट्स अर्लीस्ट अटेम्प्ट. अब वो कह रहे हैं कि सोलर कुकर का जो था अर्लीस्ट अटेम्प्ट कब हुआ सोलर कुकर के लिए? सोलर कुकर ऑफ द नेशनल फिजिकल लेबॉरटरी फेब्रिकेटेड इन द अर्ली 1950s में ये आ गया था. ठीक है ना, बट इतना ज़्यादा हिट क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज स्लो कुकिंग. सुबह खाना रखोगे बनने के लिए, शाम को बनेगा. ठीक है ना, तो मतलब इसलिए बहुत स्लो कुकिंग थी. अब हमारी गैस है उस पर रखते हैं तो चलो कुकिंग में टाइम लगता है पर बन तो जाता है ना. ऐसा तो नहीं कि सुबह रखा शाम को बन रहा है, ऐसा नहीं है ना. तो ये वाला बात था. तो इन्होंने नेशनल बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव की बात करी है जो कि अब उन्नत चूल्हा अभियान के थ्रू चल रहा है. उन्नत चूल्हा अभियान जो है 2014 में लॉन्च हुआ फॉर प्रमोशन ऑफ इम्प्रूव्ड बायोमास कुक स्टोव. तो बायोमास क्या होता है, वो कहते हैं उसमें अंदर द कंटेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी इट मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द कंटेक्स्ट ऑफ बायो एनर्जी इट मींस मैटर फ्रॉम रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कि वो रिसेंटली मतलब अब डेड है रिसेंटली, जैसे गोबर से बनता है गैस. ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो यूज़ करके बनाना चाहते थे ताकि जो एलपीजी है उस पर डिपेंडेंसी कम हो. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोलर कुकर स्टोव किसका है और पेटेंट भी किसके पास है. ठीक है, आगे चलेंगे हम. अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की, तो नहीं डिसीजन की हम बोलेंगे. तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुअल डेज के लिए लीव होनी चाहिए गर्ल्स को. मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं लड़कियों को, आफ्टर एवरी मंथ वन मंथ ब्लीडिंग होती है. ठीक है ना, एंड वो पेनफुल भी होती है. ठीक है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव पेन ड्यूरिंग दोज डेज, मूड स्विंग्स होते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख कर समझते हैं चीज़ों को. अगर आप समझना चाहते हैं मतलब लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं. तो अब पीरियड्स आते हैं. ठीक है, अब पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड भाई पेनफुल होते हैं. ठीक है ना, अब पेनफुल होते हैं तो वो कहते हैं कि आपको पेड लीव देनी चाहिए. पेड लीव का मतलब कि अगर लड़की छुट्टी मारे कि भैया हमें पीरियड्स आए हुए हैं हमें छुट्टी दे दो, तो आप छुट्टी भी दोगे और पेड लीव भी दोगे, उसको पैसे भी दोगे. अब इसके दो स्कूल्स हैं. एक तो स्कूल्स कहते हैं, एक तो दो स्कूल्स का मतलब कि दो टाइप के लोग हैं जो इसके बारे में ओपिनियन रखते हैं. दो ओपिनियंस हैं बेसिकली, दो टाइप के लोग नहीं, दो ओपिनियंस हैं.
और वो ओपिनियंस क्या है? एक तो ओपिनियन ये है कि भैया होनी चाहिए, यस कि हाँ ऐसी छुट्टी होनी चाहिए, और एक है नो वाले, ठीक है। नो वाले क्या कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को वैसे ही बहुत कम लोग, मतलब प्रेफरेंस लड़कों को मिलती है जॉब्स के अंदर, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखो आज भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे और आपकी मैरिजेबल एज है या फिर आप बच्चा होने वाले वाली एज है, ठीक है ना, तो आपको कम जॉब मिलेगी कि यार ये तो काम छोड़ देगी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि एक बैकड्रॉ ये भी हो जाएगा कि अच्छा अब इसको मेंस्ट्रुअल लीव भी देनी पड़ेगी तो आप मत दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते वो कहते हैं कि मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो था वो कब आया, 1961 के अंदर आया। जितने भी लॉ वाले बच्चे ये देख रहे हैं ये उनको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए, बाकी सबके लिए इतना वो नहीं है। बाकी सबके लिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर्निटी लीव मतलब जो वो माँ बनने वाली है, माँ बन गई है वो पीरियड हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। मैटर्निटी लीव जो होती है वो पेड मैटर्निटी लीव जो है वो एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम अर्लियर 12 weeks to 26 weeks। तो इंडिया में मैटर्निटी लीव कितने वीक्स की होती है, मैटर्निटी लीव इन इंडिया, ठीक है, कितने वीक्स की होती है, 26 वीक्स की, ठीक है। 26 वीक्स के लिए मदर को पेड लीव मिलती है, 26 वीक्स की पेड लीव मिलती है कि पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कि लड़कों को तो बच्चा पैदा नहीं करना होता, नो डाउट दे कैन हेल्प देयर वाइफ इन एवरीथिंग, बट अभी तक ये है कि हाँ ठीक है माँ पैदा करती है, माँ को छुट्टी दे दो, बट ये भी एक बैकड्रॉ है ना कि कंपनी को पैसे भी देने पड़ेंगे, वो काम भी नहीं होगा, है ना, तो एक बैकड्रॉ हो गया लड़कियों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड टू, अब यहाँ पे हम ये क्यों पढ़े, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशनर गया कि भैया रूल्स लेके आओ जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आया हो लड़कियों के लिए तो उनके लिए पेड लीव का प्रोविजन होना चाहिए। एक और पिटिशन फाइल हुआ, उन्होंने कहा कि ये डिसएडवांटेज होगा लड़कियों के लिए, उनके पाले में और ही बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं और आप एक और डाल रहे हो, ठीक है। तो ये फाइट है। अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने कहा कि पिटिशनर को जिसने केस फाइल किया कि आप जाइए किसके पास, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास, और उनको बोलिए कि मेंस्ट्रुअल लीव पेन लीव से रिलेटेड आप कुछ लॉ लेकर आइए, ठीक है ना। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने केस खत्म कर दिया। इन इंडिया, केरला एंड बिहार, अब यहाँ पे ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ, इंडिया के अंदर केरला और बिहार के अंदर पेड लीव का प्रोविजन है, ठीक है ना। बिहार ओनली स्टेट, गाइज ये क्वेश्चन बन सकता है, ओनली स्टेट जो इंडिया में पेड लीव का प्रोविजन रख रही है वो केरला और बिहार है। देखो यार बिहार से आप फ्रैंकली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन में अगर आएगा आप नहीं चूज करोगे, बट ये है देखो, ठीक है ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट बिहार, ठीक है, क्योंकि आपको अरे नहीं बिहार के अंदर नहीं होगा, बट बिहार के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरला के अंदर भी अभी अभी आए, बिहार में उससे पहले था, ठीक है। तो बिहार इस मामले में बहुत मॉडर्न है, मतलब लड़कियों के बारे में बिहार सबसे ज़्यादा सोच रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, अब ये बात करें कि जोमैटो भी इसके बारे में बात कर चुका है, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन, जाम्बिया, यहाँ सब भी ये जो है लेबर लॉज के अंदर ये है, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ पे बात करें OTT रेगुलेशंस के। OTT की फुल फॉर्म क्या होती है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। OTT क्या है, Amazon हो गया, WhatsApp नहीं सॉरी वो कौन सा होता है यार तुम्हारा, Netflix हो गया, ठीक है, और कौन सा है, Zee, जो ये मतलब ऐप्स हैं सारे यार, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉ लेकर आए कि भाई इनको मतलब रेगुलेट करना है, तो वो कहते हैं इंडिया के अंदर जो लॉ आया वो कौन लेकर आया, इंडिया के अंदर जो लॉ लेकर आया वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग लेकर आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स के तहत लेकर आई। और यहाँ पे जो OTT प्लेटफॉर्म है वो सेल्फ रेगुलेटेड है, ठीक है ना, वो मतलब कि वो चाहते हैं कि जो अमेज़ॉन वाले हैं जो वो अपना सीरियल डालें वो खुद ही देख के डालें कि भैया ठीक ठाक है, बट उसके ऊपर उन्होंने एक बिठा दी है, एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बना दिया कि भैया अगर कुछ गलत करोगे तो हम देख लेंगे, बट माइक्रो मैनेज वाले रूल्स नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं गर्मी की, वो कहते हैं इस बार बहुत अच्छी गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है, पता नहीं पड़े यार, प्रे करते हैं नहीं पड़े इतनी ज़्यादा गर्मी। वो कहते हैं दिल्ली के अंदर तो बहुत गर्मी पड़ रही है। लास्ट वीक द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉन्ट दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट वेस्ट इन सेंट्रल इंडिया वुड बी 3 to 5 degrees Celsius हायर दैन द लॉन्ग टर्म एवरेज। वो क्या कहते हैं कि इस बार जो टेम्परेचर्स हैं इन एरियाज़ में जैसे कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। ऑन February 21 द नेशनल कैपिटल रिकॉर्डेड इट्स थर्ड हॉटेस्ट फेब्रवरी डे 33.6 degree, मतलब दिल्ली में तो अभी ही 33.6 degree Celsius टेम्परेचर, अरे बाप रे, ठीक है। अब आगे चलेंगे,
इन मोर देन 5 decades, मतलब 50 साल बाद ऐसा हो रहा है वो कह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू IMD अ रीजन दैट, अब हीट वेव क्या होती है, हीट वेव क्या होती है वो कहते हैं, अब ये हीट वेव की डेफिनेशन हम नोट करेंगे. हीट वेव, ठीक है, हीट वेव क्या होती है, अ रीजन हैज अ हीट वेव इफ इट्स एम्बियंट टेम्परेचर डेविएट्स बाय एटलीस्ट 4 to 4.5. एम्बियंट मतलब जो एरिया है उसका, ठीक है, जो नॉर्मल एरिया है, अगर उसका टेम्परेचर, एम्बियंट का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग इन द सराउंडिंग एरिया, ठीक है ना, जो एक एरिया का जो टेम्परेचर है वो 4 to 4.5 to 6.4 degrees Celsius फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एवरेज, ठीक है ना, अगर हम पिछले सालों का निकालें तो उससे ज़्यादा है. दिस इज ऑल्सो हीट वेव इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉसेस 45 degrees Celsius प्लेन्स में और 37 डिग्री सेल्सियस माउंटेन्स में. तो ये डेफिनेशन हम थोड़ी सी नोट कर लेंगे, थोड़ी सी क्या, पूरी पूरी नोट करेंगे, चलो करें साथ साथ में. चलिए, हैज हीट टेम्परेचर डेविएट्स वेन टेम्परेचर डेविएट्स बाय एटलीस्ट 4.5 to 6.4 degrees Celsius from long term average, ठीक है, और अगर normally crosses, if temperature crosses 45 degrees Celsius या फिर 37 degrees Celsius कहाँ पे, हिल स्टेशंस में, ठीक है, समझ में आ गया. अब यहाँ पे जो पॉइंटर आ सकता है, ये समझ रहे हो कि भाई अगर एवरेज से इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्लस हो रहा है तो हीट वेव मान जाएगी, 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया तो हीट वेव मानी जाएगी, हिल स्टेशन में 37 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया तो हीट वेव मान जाएगी. समझ में आ गया, किसी को हीट वेव आ रही है, अभी गर्मी लग रही है किसी को, भाई मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, मुझे ठंड भी बहुत लगती है, गर्मी भी, तुम्हें कैसे लगती है ठंड गर्मी. दे ऑल्सो एक्सटेंडेड फर्दर साउथ इंडो. अब यहाँ पे ला नीना और एल नीनो के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये पता होना चाहिए. ला नीना क्या होता है, अ वर्ल्ड इफेक्टिंग वेदर फिनोमेना इन विच अ बैंड टू कूल वाटर स्प्रेड्स ईस्ट वेस्ट अक्रॉस द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में ठंडा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठंडा पानी होता है तो ठंड बढ़ जाती है, तो ला नीना इज इक्वल टू, ला नीना जब आती है तो क्या होता है, ठंड विंटर ज़्यादा होती है, और जब एल नीनो आता है तो क्या होते हैं, एल नीनो, तो एल नीनो जो है वो गर्मी लेकर आती है, समर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं. और ये पैसिफिक के वाटर से, पैसिफिक ओशन के वाटर से ही गर्म ठंडे के वो सारा होता है और उसका इफेक्ट आता है, और इस साल एल नीनो ईयर बोला जा रहा है, तो गर्मियाँ बहुत भयानक होंगी, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, वाटरमेलन जूस पियेंगे, बहुत सारा पानी पियेंगे, और क्या करेंगे. हाउ डू हीट वेव्स अकर, तो ये बताया हुआ हीट वेव्स कैसे अकर होते हैं, इतनी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, हीट वेव का मीनिंग समझ लिया उतना ही बहुत है हमारे लिए. तो 12 मेंस्ट्रुअल वाला सीन जो है वो हम पढ़ रहे हैं, तो डिस्कम्फर्ट होता है, ये सब है, आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं उसके अगेंस्ट और फेवर में ये बात करी हुई है, ठीक है, उसके अंदर. अब यहाँ पे ना ऑन फेब्रुअरी 16 अमंग अ होस्ट ऑफ अदर सेक्सुअल हेल्थ राइट्स, स्पेन बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ग्रांट पेड मेंस्ट्रुअल लीव टू वर्कर्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, which European country became the first nation to grant paid menstrual leave. क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा स्पेन, ठीक है ना. अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, केरला और बिहार, ठीक है, केरला और बिहार, वहाँ पे पेड लीव्स की प्रोविजन है, जापान के अंदर भी है, ठीक है. बिहार में तो यार तुम बिहार को अंडर एस्टिमेट करते हैं सभी, बिहार के अंदर 1992 लालू प्रसाद यादव के टाइम से है, बिहार के अंदर मेंस्ट्रुअल रूल्स लीव कब से है, द बिहार गवर्नमेंट देन हेडेड बाय लालू प्रसाद यादव इंट्रोड्यूस इज मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 1992 अलॉन्ग एम्प्लॉयज 2 days ऑफ पेड मेंस्ट्रुअल लीव एवरी मंथ, ठीक है, तो बिहार का लिख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल लीव का 1992 के अंदर पॉलिसी आई, तब CM कौन थे, लालू प्रसाद यादव, ठीक है, लालू प्रसाद यादव CM थे, ठीक है. इस बंदे में दिमाग तो बहुत है, जब ये रेलवे मिनिस्टर भी बने तब भी बहुत डेवलपमेंट करी थी इन्होंने, मतलब ओनली कांग्रेस के टाइम पे एक ही डिपार्टमेंट होता था जो प्रॉफिट में जाता था, वो है रेलवेज, एंड ही वाज यू नो पर्सन मिनिस्टर, जो मुझे याद है अभी तक, बचपन में कहा जाता था, बहुत इंटरव्यूज आते थे इनके, ठीक है. 1992 लालू प्रसाद यादव थे वहाँ पर, और टू डेज पेड लीव एवरी मंथ, ठीक है, ये लिख लो यार, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये.
चलिए आगे चलते हैं। अब अपने ओपिनियन भी, अगर ऐसे ऐसे राइटिंग में स्लाट एनल स्लाट वाले स्लाट वाले ये ऐसे तैयार करके लेके जाना कि भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए पेड लीव, क्या तुम्हारी ओपिनियन है? ऑन फेब्रुअरी 16 एन अनऑथराइज थर्ड पार्टी गेंड एक्सेस टू गो डैडी सर्वर्स। मेरा आइडिया पता क्या है कि दो लीव लड़कियों को दे दो, ठीक है, और दो लड़कों को दे दो, फिर इक्वालिटी हो जाएगी। यही कर सकते हैं, मतलब इट इज़ लाइक गेस पेनफुल होता है, बट यार आदत पड़ गई अब काम करने की, कि मतलब अगर पीरियड्स भी आए हुए हैं तो थोड़ा मूड ऑफ करके काम कर लेते हैं, पर कर लेते हैं। ऑन फेब्रुअरी 16 एन अनऑथराइज थर्ड पार्टी गेंड एक्सेस टू गो डैडी सर्वर्स इन अ सी पैनल शेयर्ड होस्टिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सर्वर को हैक किया गया था, ठीक है, इन फेब 2023 विच सर्वर सर्वर वॉज हैक्ड गो डैडी, ठीक है, इसकी एड बहुत आती है ना गो डैडी। चलो अब ये अटैक हुआ इसके ऊपर, ठीक है, तो वो कहते हैं जितनी वेबसाइट से ये मतलब गो डैडी होस्ट कर रहा था उनमें से मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुई है, चलो बहुत बुरी बात है। अब हम मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो हर कोई नोट करेगा, सिर्फ लॉ वाले नहीं, हर कोई। कौन सा था? सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे से अगर मैं यूनियन ऑफ इंडिया को UOI लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब ये किसके लिए, किस रिलेटेड है? मैनुअल स्कैवेंजर्स। अब मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, जो हमारी ड्रेनेज बनी होती है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती है, उनको ये मैनुअली साफ करते थे, ठीक है, मैनुअली साफ करते थे, ठीक है, मैनुअली साफ करते थे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड विद इन 6 weeks द स्टेप्स टेकन बाय इट टू इम्प्लीमेंट इट्स नियरली 10-year-old जजमेंट टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब 10-year-old में किसमें करा था? ये जजमेंट थी जिसके अंदर क्या किया गया था, मैनुअल स्कैवेंजर, वन पॉइंट लिखे, मैनुअल स्कैवेंजिंग केम टू एन एंड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं करना है, जो भी करो बट लोग जो है उस ड्रेन में नहीं घुसेंगे और उसको साफ नहीं करेंगे, इनह्यूमन प्रैक्टिस है, क्यों, ठीक है, हम अपना उठा सकते हैं माल, नहीं उठा सकते हैं, कोई और क्यों उठाए, बिल्कुल सही बात है, अब तो मशीन्स आ रही हैं, ठीक है। तो टॉप कोर्ट इटसेल्फ हैड रीइंफोर्स्ड द प्रोहिबिशन, डायरेक्टेड द रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। तो क्या हुआ था? प्रोहिबिशन हुआ था मैनुअल स्कैवेंजिंग पे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं रिपोर्ट, ठीक है, आस्किंग फॉर रिपोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट In 2023, asking to file a report about the steps taken, ठीक है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजिंग जो थी उस पर बैन लगा दिया था, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भैया तुमने क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। अभी थोड़ी ही दिन पहले हमने पढ़ा था कि मशीन्स जो है, रोबोट्स जो हैं वो क्लीन करेंगे। Honestly, अगर और भी बहुत सारी हुई हैं हैक, तो जो क्वेश्चन बनाएगा वो मेक श्योर करेगा कि वो सारी रिसर्च करके क्वेश्चन बनाए। तुम्हें पता होना चाहिए कि गो डैडी जो द हिंदू में डिस्कस करी है ना, वो तुम्हें पता हो, ठीक है, ओके। चलिए, एससी इंट्रीग्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस कौन से होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं जहाँ पे मारा पीटा जा रहा है किसी वुमेन को, ठीक है ना। तो मिशन शक्ति के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले, कौन से शक्ति के बारे में? मिशन शक्ति के बारे में तो पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उनको ट्रामा में से, किसी वुमेन को मारा गया उसके घर के अंदर, तो ऑब्वियसली ट्रामा होगा, शॉक होगा, ठीक है ना, डर होगा, तो वो कौन प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है। वो कहते हैं वही बहुत कम है ही नहीं कई कई जगह पे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है कि कैसे क्या करना है। तो पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अबाउट मिशन शक्ति एंड अम्ब्रेला स्कीम फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इंट्रीग्ड बाय अ पॉसिबल क्रॉनिक शॉर्टेज इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स टू डील विद डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये स्कीम क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, स्कीम फॉर लिखे मेरे साथ साथ, फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है जी, ये स्कीम है। अब इसके अंदर, इस स्कीम के तहत
पर्टिकुलरली स्कीम के अंदर क्या स्टार्ट होने थे. सो दो मोस्ट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट हैव वन स्टॉप सेंटर्स इस्टेब्लिश अंडर मिशन शक्ति. ठीक है, वन स्टॉप सेंटर्स वर इस्टेब्लिश्ड अंडर मिशन शक्ति. ठीक है, टू रिसीव विक्टम्स देर इज स्टिल अ लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट हाउ मेनी पीपल. ठीक है ना, वन स्टेप स्टॉप सेंटर्स ही क्या थे, टू रिसीव विक्टम्स, विक्टम्स जो जिनको जिन्होंने ये सहा है. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस मारपीट, टू रिसीव विक्टम्स. ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या आ रही है, थर्ड पॉइंट प्रॉब्लम क्या आ रही है, lack of protection officers. ठीक है, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप स्टेप लीजिए और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इज मैंडेटरी. प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की मैंडेटरी कहाँ पे है, मैंडेटरी अंडर मैंडेटेड, ये सब भी लिख लेंगे या सिर्फ लॉ वाले भी लिख लें, अंडर सेक्शन 8 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. ये प्रोटेक्शन ऑफ, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सभी लिखेंगे. ठीक है, सेक्शन चाहे मत लिखो, किसके अंडर मैंडेटरी है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है, किसी ने ईमेल किया था कि जो ऐसे अब आप लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, राइटिंग समझ में आ रही है. ठीक है, अब चलिए शाह टू लॉन्च नशा मुक्ति यात्रा. अब यहाँ पे कौन सी यात्रा है, नशा उड़ता पंजाब, नशा मुक्ति यात्रा. याद हो जाएगा उड़ता पंजाब से, किस किसने मूवी देखी है, कौन एक्टर था उसमें, उड़ता पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, मुक्ति यात्रा. तो नशा मुक्ति यात्रा कहाँ पर हो रही है, पंजाब में हो रही है. ठीक है, कौन लॉन्च करे, लॉन्च्ड टू बी लॉन्च्ड बाय अमित शाह. ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं. अब हमें बता सकते हैं कि कौन लॉन्च कर रहा है, क्या है. एज पार्ट ऑफ बंजारा कम्युनिटी आउटरीच, यूनियन गवर्नमेंट टू मार्क संत सेवालाल महाराज जयंती. क्या कर रहे हैं, संत सेवालाल महाराज जयंती. ठीक है, कौन सी कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, नोमैडिक, बंजारा नोमैडिक. इन फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑन संडे किक्ड ऑफ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 284th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज. ठीक है, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलिब्रेटिंग 284th बर्थ एनिवर्सरी. ठीक है, अभी कौन से उससे डील करते थे, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ बंजारा कम्युनिटी. नाउ व्हाट इज बंजारा, नोमैडिक, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका बेचारों को कोई भी फिक्स्ड अड्डा नहीं होता. ठीक है ना, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एससी एसटी ओबीसी इन अ फ्यू ऑफ द स्टेट्स आल्सो. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन से कम्युनिटी से डील करते हैं ये सारा. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. अब कोलकाता में ट्रांस चलते, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ट्रांस है. ठीक है, गए हो कभी कोलकाता, कौन कौन कोलकाता से यहाँ पे, मैं गई हूँ कोलकाता, बहुत रश होता है वहाँ पर. आई मीन आई हैव वेरी फेडेड मेमोरीज, बहुत छोटी थी मैं तब, बट मुझे याद है. और ट्राम में मैं बैठी नहीं थी क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, गई थी वहाँ पे तो बैठ के आना चाहिए था. द पीपल ऑफ कोलकाता ऑन संडे विटनेस्ड अ पैरेड ऑफ ट्राम्स. 150 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, 150 ईयर्स ऑफ ट्राम सर्विसेज इन कोलकाता. ठीक है, ट्राम तो दिख गई ना तुम्हें, कौन सी होती है, 150 ईयर्स ऑफ ट्राम सर्विस इन कोलकाता. ठीक है जी, ओके, चलो आगे चलें. ई संजीवनी के बारे में बात करेंगे. नाउ व्हाट इज ई संजीवनी, ई संजीवनी के बारे में बात करेंगे. तो व्हाट इज ई संजीवनी,
अब ई संजीवनी के बारे में बात करेंगे. ई संजीवनी इज अ ग्रेट बून, शोज पावर ऑफ डिजिटल इंडिया मोदी. ई संजीवनी के बारे में मन की बात में बात करी है, ठीक है ना. अब मैं क्या करूँ, हमारे पीएम जी बात कर जाते हैं मन की बात में, मुझे तुम्हें समझानी पड़ती है. तो ई संजीवनी एप्लीकेशन. अब ये ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी मतलब टेलीफोन करो, फोन करो बढ़िया मजे से, ठीक है, फोन करो बढ़िया मजे से और आपको डॉक्टर जो है बताएंगे कि भैया क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इट्स 98th एपिसोड ऑफ हिज रेडियो एड्रेस मन की बात सेड एक्सपेरिमेंट सच एज द ई संजीवनी एप्लीकेशन हैड इंश्योर्ड मेडिकल सर्विसेज टू पीपल लिविंग इन फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री. इसमें क्या होता है, टॉकिंग अबाउट ई संजीवनी ऐप, ही सेड पावर ऑफ डिजिटल इंडिया वॉज विजिबल इन एवरी कॉर्नर थ्रू दिस ऐप. कंसल्टेशन दैट इज वाइल सिटिंग फार अवे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना. कंसल्ट अ डॉक्टर, कैन कंसल्ट अ डॉक्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है जी. ओके, ई संजीवनी ऐप हो गया, बढ़िया. ई संजीवनी अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है ई संजीवनी के बारे में तो यहाँ पे दिया हुआ है. टेली मेडिसिन ऐप है, ठीक है ना. 1.5 लाख करोड़ टेली कंसल्टेशंस, 1.5 लाख लिखा हुआ है, मैं करोड़ों में हो चुकी है अब तक कंसल्टेशंस, तो हिंदू में लिखा हुआ है. अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये तो कार्टून देख रहे हो, ये कार्टून्स अगर तुम न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर कार्टून्स भी आते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे ही ये जो दो कार्टून्स तुम देख रहे हो ये बनाए, इसके क्रिएटर कौन है, इसका नाम है डिलबर्ट, ठीक है ना. जो ये है ये डिलबर्ट है और स्कॉट एडम्स जो हैं उन्होंने बनाए थे ये, और बहुत फेमस हुए ये, ठीक है. 1990s में स्टार्ट किए थे बट अब न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं अब इनका हम नहीं पोस्ट करेंगे. क्यों? मल्टीपल यूएस न्यूज़पेपर्स हैव सेड दे विल स्टॉप पब्लिशिंग पॉपुलर डिलबर्ट कॉमिक स्ट्रिप आफ्टर इट्स क्रिएटर पोस्टेड अ वीडियो कॉलिंग ब्लैक पीपल अ हेट ग्रुप, ठीक है ना. ब्लैक पीपल को अगेंस्ट उन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी, तो न्यूज़पेपर वाले कहते हैं हम इनके जो यू नो जितने भी कार्टून वार्टून हैं वो हम पोस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना. और मैं ऐसी फालतू में पंगे ले रहा हूँ, अपनी अच्छी ओपिनियन रखो, ठीक है. अगर ये दोबारा न्यूज़ में आए तो नोट कर लेंगे हम इसके बारे में. द पुलिस इन श्रीलंका ऑन संडे, फायर टीयर गैस. अब यहाँ पे श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है यार, ये ज़रूरी है. श्रीलंका के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे पंचायत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लोकल बॉडी इलेक्शंस ड्यू हैं, ठीक है ना. गवर्नमेंट सेइंग कांट होल्ड इलेक्शंस, लिख लो. श्रीलंका क्या कह रही है, गवर्नमेंट सेइंग कांट होल्ड इलेक्शंस. क्यों नहीं होल्ड कर सकते इलेक्शंस भैया? इसलिए इलेक्शंस हम होल्ड नहीं कर सकते बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस मतलब कि पैसा नहीं है. तो हमें ये पता है श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, एवरीवन नोज दिस. श्रीलंका के अंदर लास्ट ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, जितना भी पैसा डेट था वो पे नहीं कर पाए, तो उन्होंने नहीं पे किया. अब वो लोगों को उनको बहुत पैसा देना है, बहुत मतलब कंट्री में बुरा हाल हो रखा है. बेसिक जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई. श्रीलंका का हाल है हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेबरिंग पड़ोसी है, इसके बारे में हम पता होना चाहिए, ठीक है. FMCBG, इसके बारे में मैंने पहले भी लिखवाया था. फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई बेंगलुरु के अंदर, और इसके अंदर हमने क्या क्रिएट किया है, क्रिप्टो करेंसी के जो रूल्स हैं वो लेकर आने वाले हैं, उसके लिए पेपर लिखेंगे, ठीक है ना. और फिर डिस्कस होंगे, तो वी कैन होप के कोऑर्डिनेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वर्ल्ड ओवर वो आ पाए, ठीक है ना. अब इसराइल और पैलेस्टीन को की बातचीत करवा रहे विद रिगार्ड टू व्हाट, वेस्ट बैंक, जो एरिया इसराइल के पास है वहां पे बहुत ज्यादा यू नो फाइट चल रही थी इसराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में. जॉर्डन ने जो है इनको एक टेबल पे लेकर आया और इन्होंने क्या बोला, इसराइल committed to stop the authorization of any settler outposts in the occupied West Bank for 6 months, ठीक है, during a meeting. तो इन्होंने बोला कि हम थोड़ा मतलब नहीं करेंगे वायलेंस, इसराइल वालों ने, ठीक है. ये जॉर्डन ने जो थी मीटिंग बुलाई थी, जॉर्डन कंट्री ने, ठीक है. अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ठीक है. अब यहाँ पे लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया वन ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, फ्रॉम साउथ अफ्रीका. क्लियर है इतना, ठीक है. कौन जीता ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ऑस्ट्रेलिया जीता T20 वर्ल्ड कप किससे, साउथ अफ्रीका से. क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बता दो पहले ही अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है. अब यहाँ पे ये नोट करेंगे, डी गुकेश
सेकंड आया ये सेकंड WR चेस मास्टर्स टूर्नामेंट ठीक है एंड फिनिश सेकंड बेस्ट एट लेबोन नहीं एक मिनट प्रोड्यूस्ड अ कंसिस्टेंट डिस्प्ले ओवर 9 राउंड्स ऑफ एंड फिनिश सेकंड बेस्ट टू लेवन अरोनियन हाँ लेवन अरोनियन सिर्फ कितने ठीक है फर्स्ट कौन आया लेवन एवोन नहीं लग रहा ये एक वो सिरम आता है अरोनियन ठीक है तो ये हमें पता होना चाहिए डी गुगेश इंडियन है ठीक है सो गाइज इसी बात पे आप रुपीज़ 100 पर मंथ में हमारा जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे वो आप बाय कर सकते हैं मार्क न्यूज़पेपर ये सारा आपको मिल जाएगा ठीक है ऑन www.loggery.com आप हमारे MHCET 5 ईयर के लॉ के पेपर्स भी जो है मॉक टेस्ट जो है वो बाय कर सकते हैं .in पे मिलेगा सॉरी नॉट .com .in पे जाना है www.loggery.in ठीक है MHCET 5 ईयर के आपको लॉ के हमारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 1500 के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ठीक है अभी के लिए ये डील चल रही है आप अवेल कर सकते हैं 10 मॉक्स अगेन www.loggery.in पे जाके आप ये मॉक्स भी खरीद सकते हैं ठीक है सो गाइस प्लीज सपोर्ट अस बाय बाइंग आवर प्रोडक्ट्स ये तो रुपीज़ 100 पर मंथ वाला तो उस न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा अगर आप इसको खरीदेंगे एंड ऑल्सो गाइस यू कैन गिव अस मोर लव बाय लीविंग अ कॉमेंट लीविंग अ हार्ट इन द कॉमेंट सेक्शन या फिर आप अपना फेवरेट इमोजी भी छोड़कर जा सकते हैं मैं आपके इमोजीज चेक करती हूँ कॉमेंट कर सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा एनर्जी कैसी लगी मेरी एंड आप इस सेशन को भी लाइक कर सकते हैं सेशन को शेयर भी कर सकते हैं हमारे बारे में शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बारे में साथ सोशल मीडिया पर आप में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दैट्स इट एजुगिरी साइनिंग ऑफ आई विल सी यू सुपर सून टुमारो एट 6 PM